तमिलनाडु में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सीडीएस विपिन रावत के सवार 8 लोगों की मौत की खबर। तमिलनाडु के सीएम जाएंगे वेलिंगटन हॉस्पिटल, यही भर्ती है सीडीएस विपिन रावत। धरने पर बैठे सांसदों से कई नेताओं ने की मुलाकात, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले साथ बैठेंगे, कल के बारे में लेंगे बात। कन्नूर में हुए हादसे पर नेताओं का बयान आया सामने, राहुल गांधी, नितिन गडकरी और ममता बनर्जी समेत तमाम नेताओं ने हादसे पर दुख जताया। डॉक्टर सुरेश यादव का हुआ निधन, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड निर्माण में निभाई थी अहम भूमिका। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मथुरा में 201 करोड़ के रुपए की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने मथुरा को विकास की ये सौगातें दी। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी बांटे। मथुरा में सीएम ने एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में यूपी सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न सरकारी लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने माट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 200 करोड़ रुपए की योजनाओं से क्षेत्र का विकास होगा। ब्रजभूमि में धर्म, सत्य और न्याय के साथ साथ उल्लास का माहौल किस प्रकार से बना रहे, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। वहीं सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान वे आंगनवाड़ी के कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, साथ ही आंगनवाड़ी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात कही। सभागार में राज्यपाल ने आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिए गए कई महाविद्यालयों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्यालयों की तरफ से दिए जा रहे आवश्यक सामान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी उन्होंने वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरण किया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित भी किया। तो उनको कोरोना नहीं होगा, वो सशक्त बनेगा। तो गांव को जब आदर्श बनाना है तो पूरे गांव इसमें जुटेगा, जनप्रतिनिधि इसमें काम करेगा, सिटी है तो सिटी में जितने चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं सब अपने अपने वार्ड में काम करेंगे। तो कोई किसी की फरियाद नहीं आएगी कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, मेरे घर में एक टीबी वाला बच्चा है, मेरे घर में एक कुपोषित बच्चा है, ऐसी कोई फरियाद नहीं। वही फतेहपुर में स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया गया। स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता अभियान में कई लोग शामिल हुए। अभियान के तहत इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया। परिवारजनों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और वोट डालने के लिए भी अपील की गई। इस अभियान में शिक्षकों का भी सहयोग देखने को मिला। वही खबर उन्नाव से है, जहां सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के घोंगी रोतापुर संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया। कानपुर लखनऊ राजमार्ग से अगेरा के पास में 4 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में 4 लाख रुपए से मरम्मत का काम किया जा रहा है, जहां पर सीडीओ ने जांच में मार्ग का पैचवर्क काफी खराब पाया। कहा जा रहा है कि जगह जगह सड़क के किनारे टूटे डामर का प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें पता चला है कि डामर का प्रयोग इसमें कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगह से गिट्टी जो है वो बाहर आती दिखाई दे रही है। इसके बाद अचलगंज गंगा घाट मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। 9.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की मरम्मत के लिए 11,75,000 रुपए की स्वीकृति भी सरकार की तरफ से दी गई थी। गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान शासन के निर्देशों के क्रम में चलाया जा रहा है और माननीय सांसद जी के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि मैं स्वयं फील्ड पर जाकर इन सड़कों का निरीक्षण करूं। इस संबंध में मेरे द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कल भी मेरे द्वारा 3 सड़कों का निरीक्षण किया गया था, उसमें कुछ कमियां पाई गई थी तथा उसका सैंपल भी लिया गया है। एक जगह पर सड़क टूटी हुई मिली थी और जानकारी लेने पर सहायक अभियंता के द्वारा जो जवाब दिया गया वह संतोषजनक नहीं था, तो इस संबंध में मैंने निरीक्षण आख्या भेजकर उनसे 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से
उचित कार्रवाई की जाए। वहीं गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की लाल दरवाजा स्थित बेनामी संपत्ति को आज प्रशासन ने कुर्क कर दिया। एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर माफियाओं पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें आगे उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम से यह जमीन और संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अभी तक जिले में मुख्तार अंसारी और सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी रही है, जिसमें उन्होंने कम से कम 43 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ये प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अंतर्गत मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी की बेनामी संपत्ति 9 करोड़ 44 लाख रुपए की गई है और ये अभियान लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। इसके अंतर्गत अब तक मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों के अंतर्गत जो अब तक इस ज़िले से जो कार्रवाई की गई है वो लगभग 43 करोड़ 67 लाख 48 हज़ार 167 रुपये की गई और ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। वही देवरिया में अधिवक्ता विष्णु जायसवाल की पिटाई के मामले में अधिवक्ता सड़क पर उतारा है। बता दें कि दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता विष्णु जायसवाल की भी पिटाई की गई थी। पिटाई के बाद अब दीवानी न्यायालय से होते हुए सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन की तरफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क का घेराव किया और कोतवाल अर्जुन सिंह सदर SDM सौरभ सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शन करने वाले वकीलों की मांग थी कि दोषी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया में ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए आह्वान किया गया। प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष हिमांशु त्रिपाठी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा गया कि यह सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 2019 में जब सनातन पांडे चुनाव जीत रहे थे तब शासन सत्ता के दबाव में जिलाधिकारी से बीजेपी सांसद जीत का घोषणा करा दी गई थी। इस बात से ही ब्राह्मण को बदला लेने का अब वक्त आ चुका है। अब 2022 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे श्रीरामपुर घाट पे जो गंगा जी का तट है वहाँ पे करीब हजारों की संख्या में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं प्रभु सभा के तत्वाधान में और कल हम लोग एक स्नान करेंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे, गंगा आरती करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे और अपने जनेऊ अपने समाज से एक संकल्प लेंगे कि 2022 में इस आताताई सरकार को गिरा के अपने देश के अपने प्रदेश के शानदार नेता हम सबके प्रिय माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लेंगे। साथ ही साथ हम ये बता दें कि हम लोग के साथ जितना अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार इन 5 सालों में एक एक घर का अत्याचार जो हम लोगों ने सहा है, यहाँ दूसरों से ज़्यादा दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ हमसे दुश्मनी निभाई गई है। हम लोग बार बार ये प्रण ले रहे हैं, रोज़ संकल्प लेते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी आतताई सरकार जाए और हम सबके नेता हम सबके प्रिय शानदार नेता श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मयौरैया में शातिर लुटेरों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। सदर कोतवाली इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने बुजुर्ग महिला को ज्वेलरी को लूट लिया। इस दौरान बाइक सवार लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन वे भागने में सफल रहे। वहीं लोगों ने लूट की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है और बाइक सवारों की तलाशी के लिए पुलिसकर्मियों ने भी फौरन कार्रवाई को शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में लूट की वारदातें बढ़ गई हैं। वहीं सहारनपुर में क्राइम ब्रांच टीम और थाना सरसावा पुलिस टीम को संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने नशा तस्करों को 566 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। महिला सहित 3 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की करीब कई करोड़ों की कीमत की स्मैक को 2 मोबाइल फोन समेत बरामद किया है। माह नवंबर से हम लोग जनपद में नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसमें कुल 57 लोगों की नवंबर माह में गिरफ्तारी हुई है और करीब 17-18 किलो डोडा और चरस हम लोगों ने रिकवर किया है और करीब 1.5 किलो स्मैक हम लोगों ने नवंबर में
रिकवर किया था, जिसमें कुल 57 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। तो इसी अभियान के क्रम में पुलिस मुठभेड़ में थाना सरसावा पुलिस और हमारी जो स्वॉट और सर्विलांस की टीम है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से करीब 566 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी करीब 1 करोड़ कीमत बताई जा रही है। 2 इनके साथी जो ग्राम झवीरन थाना सरसावा के रहने वाले हैं, वो मुठभेड़ में भागने में सफल रहे, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगा के उनके ऊपर जो भी अवैध रूप से उन्होंने अपनी संपत्तियां बनाई हुई हैं, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। चूँकि ये बहुत अच्छा गुड़वर्क है, इसमें बरेली से आने वाला जो सोर्स है, सोर्स से आने वाले लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में स्मैक इसमें रिकवर हुई है, इसलिए टीम को उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इसमें रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। वही हमारी अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां बीते दिनों हुए ढाबा संचालक की हत्या का पर्दाफाश चंदौली पुलिस और स्कॉट टीम ने सर्विलांस टीम की मदद से किया है। दरअसल ये मामला 15 नवंबर का बताया जा रहा है, जहां अली नगर में रहने वाला एक ढाबा संचालक की हत्या कर उसके शव को पास ही में फेंक दिया गया था। पुलिस ने ढाबा संचालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पूरी कार्रवाई को शुरू किया था और कार्रवाई के आधार पर पुलिस ने हत्यारे नौकर को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। दिनांक 15/11 को 15 नवंबर को चंद्रखा बाईपास अलीनगर थाने में पड़ता है। वहाँ कालिका रेस्टोरेंट और ढाबा के मालिक से विनीत सिंह, उनकी हत्या कर दी गई थी। फावड़े से मारकर सर पे वार किया गया था। उस संबंध में एसओजी टीम ने थानाध्यक्ष अलीनगर और सर्विलांस टीम, इन सभी ने मिल करके इनके जो अभियुक्त थे जिनके द्वारा यह कार्रवाई की गई थी, जो घटना कारित की गई थी, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है दिनेश राजभर उर्फ डब्बू उर्फ राजू, जो सैयद राजा थाने का रहने वाला है। इसके पास से मृतक के गले में जो सोने की चेन थी उसका टुकड़ा, और घटना कारित करते समय इनके द्वारा जो शर्ट पहना गया था जिसमें जो रक्त रंजित था, इन दोनों को वो ये छुपा करके वहीं एक बालू की बोरी में रखा था, वो बरामद किया गया है। खबर औरैया से है, जहां भारत विकास परिषद की तरफ से निर्धन परिवारों के बच्चों की शादी कराने का निर्णय लिया गया है। इस शादी समारोह में पात्र निर्धन जो कि शादी में दहेज नहीं दे सकते, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके 7 जोड़ों की शादी कराने का निर्णय लिया गया है। इस समारोह में 11 शादियां होनी थी, लेकिन सिर्फ 7 पात्र ही उन्हें मिल पाए। वहीं इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई कि 11 तारीख को भी सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह कराया जाएगा, जिसमें 250 जोड़े अभी तक तैयार कर लिए गए हैं। सामूहिक विवाह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जो निर्धन परिवार है। भारत विकास परिषद द्वारा यह अनूठी पहल शुरू की गई है। इस अनूठी पहल का हम लोगों द्वारा कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें। इसमें जो भी सहयोग हम लोग दे सकें अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से। ये भारत विकास परिषद का एक विशेष प्रयास है, इसमें सभी का प्रशासनिक सहयोग और सारी चीज़ें मिल रही हैं। और इसी तरह के जो प्रयास हैं सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं। 11 तारीख को सामूहिक विवाह भी होना है, और सामूहिक विवाह में करीब 200-250 जोड़े एकत्रित हो गए हैं, और उनका एक सामूहिक विवाह भी जल्दी ही आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 निर्धन जो जोड़े हैं उनको दाम्पत्य सूत्र में आज बांधा जाएगा, और उनके लिए जो संस्कार हमारे भारतीय पद्धति के हैं वो सारे संस्कार उनके पूरे सारे दिन कराए जाएंगे, और उनको दान के रूप में उनके ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ताकि वो अपना दाम्पत्य जीवन आज से ही सुचारू रूप से शुरू करें, उनको सभी सामान हम लोगों ने मुहैया करने का प्रयास किया। जो हमारी संस्था है भारत विकास परिषद, वह सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों को कराती रहती है पूरे वर्ष में। आज सीताराम जी का विवाह दिवस है, जिसे विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। तो हमारी संस्था ने निर्धन गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सरल सामूहिक विवाह कार्यक्रम महोत्सव आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह वही चंदौली के कालाबाजारी जोलिया थाना क्षेत्र में गाड़ी पर लदे 65 बोरी अवैध खाद समेत चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गाड़ी को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर पकड़ा गया है।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद संबंधित दस्तावेज न दिखाने पर यह एक्शन लिया गया है। देखिए, सुबह सूचना प्राप्त हुई कि साहबगंज से बिहार को एक गाड़ी लगभग 65 कट्टे सुपर के खाद के लेकर यहां से अवैध रूप से बिहार के लिए रवाना हुई है और उसी क्रम में एरिया थाने को सूचित किया गया। तत्काल उस पिकअप ट्रक को पकड़ाया गया और जब वहां के ड्राइवर और खलासी से पूछताछ की जा रही है तो इसका कोई संतोषजनक वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किनके द्वारा इस खाद को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अवैध तरीके से इस खाद को यूपी से या चंदौली से बिहार की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। पिकअप ट्रक को डिटेन कर लिया गया है और साथ ही साथ इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित की। वही कानपुर से रायबरेली आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटकर खाई में गिर गई। कहा जा रहा है कि स्कूली बच्चों से भरी वैन को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बस खाई में गिर गई, जिसमें कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यात्रियों से खचाखच भरी रोडवेज बस जो थी वो हादसे का शिकार हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने मिलकर घायलों का रेस्क्यू किया। बीच रोड मैजिक आ रही थी बच्चों के घर के स्कूल मैजिक। आप किधर से आ रहे थे? हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। वो मैजिक किधर से आ रही थी? ये रायबली से आ रही थी। रायबली से कहाँ पे घटना हुई है? अटौरा में। अटौरा कितने लोग? विकास नगर। विकास नगर जी। कितने लोग जो घायल हुए? घायल भी तो उतना नहीं कोई। बीच रोड मैजिक आ रही थी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।